नमस्कार दोस्तों। तो भारत के इस दौरे पे ऑस्ट्रेलियाई टीम और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के लिए कुछ भी नहीं सही जा रहा है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई टीम की, तो उनके 6 के 6 खिलाड़ी जो इस दौरे पे सीरीज खेलने के लिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए आए थे, वो अब ऑस्ट्रेलिया को रवाना हो गए हैं। कुछ खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए हैं, तो वहीं कुछ परिवार में आए मेडिकल इमरजेंसी के कारण ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं, और कुछ को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है क्योंकि उनकी उपयोगिता अब तीसरे टेस्ट में उतनी नहीं दिख रही है। अगर हम उन खिलाड़ियों का नाम लें तो डेविड वार्नर, जॉस हेजलवुड चोट के कारण बाहर हुए हैं, वहीं पैट कमिंस परिवार में आई मेडिकल इमरजेंसी के कारण टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए थे, अब ये मालूम पड़ता है कि वो तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उनकी जगह स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मैट रेंसॉ और एस्टन एगर को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है क्योंकि उनकी उपयोगिता अब तीसरे टेस्ट मैच में नहीं दिख रही है। तो ये जो न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, पैट कमिंस का तीसरा टेस्ट मैच न खेल पाना, ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पैट कमिंस सिर्फ गेंदबाजी से ही नहीं बल्कि टीम का नेतृत्व करके भी काफ़ी मदद दे रहे थे, टीम की कप्तानी कर रहे थे वो। तो एक कप्तान का हटना ये काफ़ी बड़ा सेटबैक होता है किसी भी टीम के लिए मध्य दौरे में। तो उनकी जगह अब स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो ये दौरा था, इस दौरे से पहले अगर हम पैट कमिंस के कप्तानी की बात करें, तो पैट कमिंस ने 13 मैच इस दौरे से पहले कप्तानी की थी, जिसमें उन्हें 8 मैचों में जीत की प्राप्ति हुई थी, 4 मैच उन्होंने ड्रा करवाए थे और एक मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये जो कप्तानी था उनका, जो सिलसिला था इस दौरे से पहले, वो काफ़ी सुखद था और काफ़ी कीर्तिमान वो अपने कप्तानी में रच रहे थे और WTC के पॉइंट्स टेबल में भी ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 लाकर खड़ा कर दिया था। तो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था कप्तानी का, वो काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन इस दौरे पर उनके कई सारे ड्रॉबैक सामने आ गए हैं और कई सारी कमियां उभर कर सामने आ रही हैं, जिस कारण अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ये मांग उठाने लगे हैं कि पैट कमिंस को अब कप्तानी से हटा देना चाहिए। आइए अपने इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि क्यों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इससे पहले जो पैट कमिंस जो उनके सबसे सफल कप्तान माने जा रहे थे, अब उनको क्यों इस दौरे के मध्य दौरे के बाद ही हटाने की मांग करने लगे हैं और क्यों वो पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए नहीं देखना चाहते। तो भारतीय टीम इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरी तरीके से धराशायी कर चुकी है और इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम 2-0 से पीछे चल रही है। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम ये श्रृंखला 4-0 से हार जाती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पर उनका खतरा मंडराने लगेगा और कई सारे इफ्स एंड बट आने लगेंगे। लेकिन अगर हम इस दौरे की बात करें, तो इस दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस तीसरा टेस्ट मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो मेडिकल इमरजेंसी, उनकी माँ बीमार चल रही हैं, उनके साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं, जिस कारण वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए थे। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि तीसरे टेस्ट से पहले पैट कमिंस भारत लौट आएंगे, लेकिन अब ये इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि तीसरा टेस्ट मैच पैट कमिंस नहीं खेलेंगे। तो अब इयान हिली, जो ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब वो पैट कमिंस को आगे कप्तानी करते हुए नहीं देखना चाहते। उनका कहना है कि वो पैट कमिंस को बतौर गेंदबाज ही रिटायर होते हुए देखना चाहते हैं, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि कप्तानी से पैट कमिंस के गेंदबाजी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इयान हिली ने एक रेडियो शो में बातचीत करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि पैट कमिंस ज़्यादा वक्त कप्तानी के बोझ तले दबे रहें, मैं एक गेंदबाज के तौर पर उनका कैरियर खत्म होते देखना चाहता हूँ। कप्तानी की वजह से आप पर ज़्यादा दबाव होता है और 4-5 साल लंबा वक्त होता है। इयान हिली ने कहा कि अभी कमिंस के परिवार में भी दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं उन्हें गेंदबाज के तौर पर करियर खत्म करते हुए देखना चाहता हूं। तो इस कमेंट से, इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि इयान हिली का कहना है कि कप्तानी से ज़्यादा प्रेशर होता है, एक तेज गेंदबाज के ऊपर पहले से ही काफ़ी दबाव होता है फिटनेस का, उसके ऊपर से अगर आप उसके ऊपर कप्तानी का भी दबाव डाल देंगे तो उसके परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट होगा और वो जल्द ही उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, जिस कारण वो उनको क्रिकेट से बाहर कर दिया जाएगा। तो इयान हिली इसलिए चेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को, ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट को, उनके सेलेक्टर्स को,
कि उसको कप्तानी से आप हटा दो, उसके ऊपर से वो दबाव हटा दो, क्योंकि 4-5 साल तक अगर कोई कप्तानी करता है तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता है। और परिवार में भी अभी पैट कमिंस की दिक्कत चल रही है, जिस कारण उसके अंदर जो मानसिक तनाव है उसको कम करना चाहिए हमें, और उनको कप्तानी से हटा कर ये मानसिक तनाव हम कम कर सकते हैं। इयान हीली ने आगे भी कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलियन टीम के पास विकल्प भी हैं कप्तानी के। टेस्ट मैचों की बात करें, उन्होंने विकल्प के रूप में ट्रेविस हेड का नाम सुझाव किया। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, तो वो 21 साल की उम्र से ही साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी कर रहे हैं और उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, जिस कारण इयान हीली ने ट्रेविस हेड का नाम ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के रूप में सुझाया है। और इयान हीली का ये मानना भी सही है कि अगर आप एक तेज गेंदबाज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उसके परफॉर्मेंस पे जरूर इम्पैक्ट आता है, और वही इस दौरे पर भी देखा गया है कि पैट कमिंस उतना प्रभावी नहीं दिख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी लो हुआ है भारतीय पिचों पे। क्योंकि अगर हम बात करें तेज गेंदबाजी में, तो यहाँ पे सामी ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है। जॉश हेजलवुड पिछले इंग्लैंड दौरे पर भी जब आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था, लेकिन कमिंस जो उम्मीद थी ऑस्ट्रेलियन टीम को, उसके विपरीत परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और कई पारियों में तो वो गेंदबाजी करने से भी कतरा रहे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ख़राब है कमिंस के ऊपर, उनके कप्तानी के कारण ये प्रभाव पड़ता जा रहा है, उनकी गेंदबाजी भी लचर होती जा रही है, जिस कारण अब ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान या पूर्व खिलाड़ियों का यही मानना है कि कमिंस को अब कप्तानी के बोझ से, जो कप्तानी का बोझ है उनके ऊपर, उसको हटा देना चाहिए और नए कप्तान की तलाश करनी चाहिए। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।